एग्जाम्पल नंबर फोर को देख लेते हैं, बड़ा इजी है। और ये एग्जाम्पल आपकी जरा डॉट प्रोडक्ट की स्किल को चेक करना चाहता है कि आपसे डॉट प्रोडक्ट आता है भाई, वेरिएशन कहाँ करेगा, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ये निकलता है। तो डॉट प्रोडक्ट का ही एक ये कह सकते हैं कि एक नॉलेज चेक करने के लिए आपको ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या रखा, देखो यहाँ को लिख देते हैं सॉल्यूशन, और जो दे रखा वो आप लिख लो। आपको फोर्स दे रखा है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर में क्या है आपके पास, आई प्लस फाइव जे प्लस सेवन के। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, सिक्स आई प्लस का नौ के। देखो फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स की वैल्यू को रख दो आई कैप प्लस का फाइव जे कैप प्लस का सेवन के कैप। डॉट प्रोडक्ट एस के साथ मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो सिक्स आई प्लस का नौ के। अब देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट की एक खास बता देता हूँ बात, वो ये है कि अगर आई का आई के साथ डॉट करते हो तो इसकी वैल्यू वन आती है, जे का जे के साथ डॉट करते हो तो भी वैल्यू वन आती है, के का के साथ डॉट करते हो तो वैल्यू वन आती है। लेकिन अगर मैं आई का जे के साथ डॉट करता हूँ तो वैल्यू ज़ीरो निकल कर आएगी, जे का मैं के साथ डॉट करता हूँ तो भी वैल्यू ज़ीरो निकल कर आएगी, के का मैं आई के साथ डॉट करता हूँ तो भी वैल्यू ज़ीरो निकल कर आएगी। इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। फिलहाल अभी आप ये बात जान करके चलें कि आई का आई के साथ डॉट जो होता है प्रोडक्ट, या फिर आप मल्टीप्लीकेशन में कह सकते प्रोडक्ट का, यहाँ पर क्योंकि इसको ओपन किया जाता है एज ए वैक्टर रूल, तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, वन। अगर मैं आई कैप का जे कैप के साथ करूँगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आई का आई के साथ करूँगा तो ही वैल्यू मिलेगी, अगर आई का जे के साथ करूँगा तो ज़ीरो, आई का के साथ करूँगा तो ज़ीरो, के का आई के साथ करूँगा तब भी ज़ीरो, के का जे के साथ करूँगा तब भी ज़ीरो, के का के साथ करूँगा तो वैल्यू। तो जब जिस पर वैल्यू मिल रही है आप सिर्फ उसी का करो ना, बाकी सब कुछ छोड़ो। तो आई का आई के साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सिक्स आई डॉट आई, ठीक है, सिक्स आई डॉट आई। चलो इसको एक ओपन कर देते हैं तमीज़ के साथ, सबके साथ कर दें, सिक्स आई डॉट आई प्लस का फाइव, सिक्स फाइव ज़ा छप्पन जे तीस, ये हो जाएगा जे डॉट आई, ठीक है, इसका इसके साथ करो अब, सात साक्षंग बयालीस जे डॉट आई प्लस, इसका सबके साथ हो गया। अब ऐसे ही इसका करो, नौ का नाइन वन नाइन आई डॉट के प्लस, नौ का इसके साथ हो, नौ पंजे पैंतालीस जे डॉट आई प्लस, नौ सत्ते तिरसठ के डॉट के। अब आपको मैंने ये वाली बात सिखा रही है, जहाँ पर डॉट वाले होंगे सेम सेम वो वैल्यू को देकर जाएंगे, और अगर डिससिमिलर हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पर सेम दिखाई दिया और यहाँ पर आपको सेम दिखाई दिया, बाकी आपको कहीं पर भी सेम नहीं मिलेगा। इट्स का मतलब ये हुआ, इट मीन्स ये भी वैल्यू ज़ीरो देकर जाएगा, क्योंकि जे डॉट आई का प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा, ज़ीरो से किसी की मल्टीप्लाई करो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, इन सब की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। अब देखो आई डॉट आई होता है वन के बराबर, तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू वन मतलब सिक्स, प्लस के डॉट के ये भी वन के बराबर होता है तो सिक्सटी थ्री रह जाएगा, यहाँ से सिक्सटी थ्री में सिक्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्सटी नाइन। तो सिक्सटी नाइन क्या आया आपके पास, जूल, बस इतना सा था। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये स्किल जानना चाह रहा है कि आपसे वैक्टर अभी भी आता है या आप भूल गए हो, क्या आपसे डॉट प्रोडक्ट आता है, क्या आपसे आई डॉट आई आई डॉट जे समथिंग आपसे कुछ आता है इस तरह का। तो बस इसी स्किल को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आई होप आपने अपना डाउट क्लियर कर लिया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद भैया, धन्यवाद बाजियो, बहनों, कुछ भी कह सकते हैं, थैंक यू।